नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश्वर क्लासेस में, जहां पर मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर नंबर 8, जो 1 नंबर का चैप्टर है, उसमें आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो टॉपिक है, ये आपको सॉम और मॉस में भी पढ़ने को मिल जाएगा। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, तब वहाँ पर सॉम और मॉस में मिल जाएगा, और ये टॉपिक आपका आपके मैकेनिक्स में है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे पहले जेड सेक्शन गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। जो जेड सेक्शन है, ये जो जेड आकृति है, इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना होता है। जब जेड सेक्शन जैसी आकृति रहती, इस आकृति को कहते हैं अनसिमेट्रिकल। जब अनसिमेट्रिकल बॉडी होती है, तो उसमें हम लोग दो चीजें फाइंड करते हैं, एक्स बार और वाई बार। क्लियर? और यदि सिमेट्रिकल है, तो सिर्फ आप उसको वाई बार के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो ये बॉडी है अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल होने की वजह से इसको क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जेड बार और वाई, जेड बार जो है, तो आप इसमें एक्स बार और वाई बार ज्ञात करेंगे। एक्स बार और वाई बार के फार्मूले तो आपको याद हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ के इसके अलग अलग पार्ट कर देंगे। ये पार्ट हमारा हो गया ये वाला, ये पार्ट हो गया ये, एक ये हो गया, दो ये हो गया, और तीन ये हो गया। क्लियर? अब पहले क्या करेंगे, ये अनसिमेट्रिकल है, तो इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, सभी के सेंटर फाइंड कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने यहां पर इसको ऐसे कर दिया, ये आ गया आपका G1। ऐसे ही आपने इसको विकर्ण दिया, ये आ गया आपका, ये पॉइंट आ गया G2। ऐसे ही आपने इसको ये किया और ये किया, ये आ गया आपका G3। तीन पार्ट हो गए, तो एक आयत ये आ गया, दूसरा आयत और तीसरा आयत। तो यहां पर बात करेंगे जेड सेक्शन में जो गुरुत्व केंद्र आए हैं वो कौन से हैं, स्मॉल G1, G2, G3। तो यहां से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो इसमें आपके G1, G2, G3, आपके G1, G2 और G3, ये क्या है, गुरुत्व केंद्र हैं। गुरुत्व केंद्र किसके, ये कितने पार्ट के, मतलब अलग अलग पार्ट के गुरुत्व केंद्र हैं। और यहां पर अगर एरिया की बात करी जाए, तो ये आपका A1, A2 और आगे आपका A3। तो एरिया, क्षेत्रफल है यहां पर A1, A2 और A3। अब बात करेंगे पहले इस पार्ट का एरिया वन फाइंड करेंगे, किसका, इस वाले 1 नंबर का। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे एरिया। एरिया क्या कहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तो ये आ गई, अब चाहिए चौड़ाई। तो चौड़ाई इसकी कितनी है, चौड़ाई इसकी दी है 2, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये आपकी 2 ये है और 2 ये है। तो जब आप इसका एरिया A1 निकालेंगे, तो 12 × 2 सेंटीमीटर, तो आ गया यहां पर A1 इक्वल टू आ गया 12 × 2 = 24 सेंटीमीटर² क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये आ गया आपका 24 सेंटीमीटर². अब निकालेंगे यहां पर क्षैतिज दूरी फाइंड करेंगे। तो क्षैतिज दूरी हो जाएगी आपकी x1। तो यहां से ये दूरी देखिए, ये दूरी यहां से इसके बराबर में है, ये, तो ये यहां से यहां तक कितनी होगी, ये है आपकी, जब यहां से यहां तक है 10, 2 आपने यहां से निकाल दी, तो यहां से ये दूरी होगी आपकी 8, मतलब ये दूरी आपकी होगी यहां पर 8, ये वाली। तो अब यहां निकालेंगे x1, क्षैतिज दूरी है,
तो यहां पे निकाला आपने x1 इक्वल टू, x1 इक्वल टू आ गया आपका टोटल ये डिस्टेंस 8 प्लस यहां से यहां तक की दूरी, ये आ गई आपकी 12y2, तो ये आ गई आपकी यहां पर 6, 8 और 6 कितने हो गए 14 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे यहां पर बाई वन में क्या होगा, यहां से ये दूरी बाई वन बैठ कर लेते हैं तो आगे 2 अपॉन 2 इक्वल टू आ गया 1 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका यहां पर G1 की बाई वन डिस्टेंस, ठीक है, ये किसके लिए है G1 के लिए, मतलब यहां पे एरिया A1 निकल गया, X1 निकल गया, Y1 निकल गया। अब बात करेंगे कितने एरिया के लिए, इतने वाले एरिया के लिए पहले तो निकालेंगे A2, तो यहां पे आ गए आपके सेकंड में A2 में क्या हुआ लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई आपकी यहां पर 14 है और चौड़ाई है 2, तो यहां आ गया आपके 14 × 2 सेंटीमीटर में है सभी, इसकी भी सभी डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर में है, ऑल डायमेंशन इन mm, वो सॉरी ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। A2 फाइंड हो गया, अब निकालेंगे यहां पर X2, इस पार्ट का X2 आ गया आपका X2 आ जाएगा यहां पर 8 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्लियर 9 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालेंगे बाई टू क्या होगा आपका, बाई टू आ जाएगा आपका 2 और यहां से यहां तक की ये हाइट, तो आ गया 2 प्लस 14 बाई 2, तो ये आ गया आपका यहां से 7, 8 और 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आ गया बाई टू आ गया। अब यहां पर G3 के लिए, G3 ये तो आपका G2 के लिए ज्ञात हो गया केंद्र, अब G3 के लिए फिर वही सेम प्रोसीजर A3 फाइंड करेंगे, तो A3 में क्या है यहां से यहां तक की दूरी अब 10 और ये आगे 2, तो आपका 10 × 2 = 20, तो ये आ गया यहां पर A3 = 10 × 2 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड करेंगे यहां पर X3 में यहां से यहां तक की दूरी है आपकी 10 बाई 2, तो X3 आ गया आपकी 10 बाई 2 = 5 सेंटीमीटर। ये हमारे लिए X3 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब निकालेंगे यहां पर बाई थ्री हो जाएगा आपका यहां पर, इसको क्या करेंगे यहां से ये कर दिया, अब निकालेंगे बाई 3, X3 आ गया, बाई 3 में आ जाएगा आपका 2 प्लस टोटल हाइट 14 प्लस 2 बाई 2, ये तो आ गया आपका 17 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है, ये पूरी बॉडी क्या थी अनसिमेट्रिकल थी, इसलिए हमें एक्स बार और वाई बार ज्ञात करना है, तो एक्स बार और वाई बार का फार्मूला क्या है, एक्स बार और वाई बार का फार्मूला है एक्स बार, इसको थोड़ा अलग से हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा आपका ए वन एक्स वन प्लस
ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये आ गया। ऐसे ही निकालेंगे यहां पर किसके लिए, बाई बार के लिए। तो सिर्फ क्या करना है आपको, यहां पर जो x की वैल्यू है वहां पर आप बाई वन की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ए वन बाई वन प्लस ए टू बाई टू प्लस ए थ्री बाई थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। अब क्या करेंगे, इस सब की वैल्यू ए वन एक्स वन ए वन बाई वन की वैल्यू इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। तो क्या होगा यहां पर, x बार a1, a1 क्या है आपका यहां पर 14, 14 इंटू ये लगा दिए x1, x1 आ गया आपका यहां पर 24 आ गया, तो 14 प्लस a2, a2 आ गया 28, 28 इंटू x टू, ये आ गया आपका, इसके लिए कर रहे हैं, ये आ गया आपका यहाँ पर 9 और ये आ गया ए थ्री प्लस ए थ्री कितना है आपका यहाँ पर 20 इंटू एक्स थ्री आ गया यहाँ पर 5, ये आ गया आपके यहाँ पर ये ए वन ए टू 24 प्लस 28 प्लस ए थ्री आ गया आपके 20। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 14 इंटू 24 इंटू 14 प्लस 28 इंटू 9 और 20 इंटू 5 24 प्लस 28 और 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9.55 सेंटीमीटर, 9.55 सेंटीमीटर। क्लियर? ऐसी क्या करेंगे, इसमें बाई बार की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बाई बार की वैल्यू में क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, ए वन तो हमारा वही रहेगा, तो आ गया 24 इंटू बाई वन, बाई वन कितना है आपका एक प्लस और आ गया आपका यहां पर 28, 28 इंटू 9 प्लस ए थ्री 20 इंटू बाई चाहिए अपन को, तो यहां पे आ गया 70। लीजिए अपॉन में क्या आएगा, सेम वही रहेगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, सेम आप इसको यहाँ पर लिख देंगे 24 प्लस 28 प्लस 20, 24 इंटू 1 प्लस 28 इंटू 9 प्लस 20 इंटू 17, 24 28 और 20, ये आ गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बाई बार की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बाई बार की वैल्यू आ गई यहां पर 8.55, 8.55 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या है कि सभी के इसका केंद्र मान लिया फाइंड हो गया, इसका केंद्र फाइंड हो गया, इसका केंद्र फाइंड हो गया, सभी के केंद्र फाइंड होने की वजह से अब क्या किया कि इस पूरे ओवरऑल पूरी बॉडी का केंद्र कहाँ होगा, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर x बार डायरेक्शन में चलेंगे और y बार डायरेक्शन में चलेंगे, तो हमें 9.55 और 8.55 की दूरी फाइंड हो जाएगी। तो ये केंद्र होगा हमारा यहाँ कहाँ, ये होगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना y बार, और यहाँ मतलब आप x बार चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे 9.5 तो यहाँ कहीं होंगे, और यहाँ से चलेंगे 8.55 तो यहाँ पर कहीं केंद्र ज्ञात हो जाएगा, तो ये होगा हमारा यहाँ पर कैपिटल जी। क्लियर? तो ये है आपका अनसिमेट्रिकल बॉडी के लिए सेंटर ज्ञात करना,
पहले क्या करते हैं, जब ऐसी बॉडी जो थोड़ी अनसिमेट्रिकल है, मतलब एक जैसी आकार नहीं है, तो क्या करेंगे, सभी छोटे छोटे पार्टों का एक केंद्र ज्ञात करेंगे। जैसे इसका केंद्र ज्ञात कर लिया, फिर इस पार्ट का केंद्र ज्ञात किया और इस पार्ट का केंद्र ज्ञात कर लिया, फिर सभी केंद्रों के हिसाब से एक्स बार और वाई बार ज्ञात करेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। एग्जैक्ट पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ है, किसी क्वेश्चन में ऐसा रहता है, बॉडी के अनुसार बाहर आ जाता है या अंदर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग किसी भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बॉडी का गुरुत्व केंद्र फाइंड करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये जितने भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, आपके टी कार्ट, एल कार्ट, सी कार्ट और जेड कार्ट, और पक्का एक क्वेश्चन आपका यूपीबीटी के एग्जाम में मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सभी टाइप के जो बॉडी हैं, चाहे वो टी कार्ट हो, चाहे एल कार्ट हो, चाहे सी कार्ट हो, चाहे जेड कार्ट हो, सभी की आप एक एक न्यूमेरिकल तो जरूर लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंजीनियर राजेश सर क्लासेस टाइप करें, यहाँ पर वीडियो है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।